मैं 2 महीने से देख रहा था कि मतलब इस तरह के मुद्दे शाहीन बाग जिसको कोई नहीं जानता था, आज इस मुद्दे ने पूरा हिला के रख दिया पूरे देश को। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग इसको हटाने की बात करते हैं कि आप हट जाओ, और लोग यहाँ पर जिद करके जो बैठे हुए हैं कि नहीं हम हटेंगे नहीं जब तक ये वापस नहीं होगा, क्योंकि वापस लेने में देश का हित है। आप यदि हिंदू मुसलमान की बात करते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो तो एक तरह से देखा जाए तो सरासर गलत है। वसुंधरा कुटुंबकम का हमारा देश है, बोलना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी हमारे देश में है, लोकतंत्र है, सब कुछ है। वसुंधरा कुटुंबकम यदि आप कहते हो वो मंच पर खड़े हो, और सबसे बड़ी बात ये है, और सबसे बड़ी बात ये है आप लोग के लिए और गवर्नमेंट से मैं कहूंगा कि मैं सलूट करता हूँ आम जनता को, यहाँ के लोगों को, खासतौर से महिलाओं को, जो हमारी दादा दादी और नाना नानी की उम्र के लोग बैठे हुए हैं, जिनकी उंगलियों को पकड़ के स्पाइडरमैन जैसे बच्चे आज बड़े हुए हैं, और आज वो दादा दादी की उम्र के लोग औरतें यदि बैठी हैं तो ऐसे सलूट करता है। और प्लीज स्पाइडरमैन होने के नाते मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि प्लीज देश की तरक्की के बारे में सोचे। क्या क्या लग रहा है मोदी जी की कोई नीति है देश हित में, जो जनता के हित में? सर देखिए मैसेज एक्चुअली यदि आप अमेरिका के ट्रंप को यदि स्वागत करने के लिए आप करोड़ों को लोगों को बुला सकते हो अहमदाबाद में, जिस हिसाब से स्टेडियम में मतलब लोग बुला सकते हो, तो आप ये भी तो सोचो ना कि आप अमेरिका को, यदि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जब आते हैं तो मैसेज क्या लेके जाएंगे हमारे देश का? क्या हमारे जैसे कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में 1 करोड़ लोग होंगे, कोई 70 लाख बता रहा है जी, ठीक है। अहमदाबाद की जनसंख्या तो कोई 50 से 55 लाख है, तो लोग आएंगे कहाँ से इतने? नहीं है सर, वो सर देखिए पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो पैसे देके खरीदी भी जा सकती है। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो करोड़ों लोगों की बातें किया जा रहा है कि करोड़ों लोग वहाँ पर आएंगे, और जैसा कि आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या के मामले में चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। नहीं, अहमदाबाद की बात नहीं, नहीं, यदि हम जनसंख्या की बात करें, देश की बात करें, तो चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। और रही अमेरिका की बात, तो अमेरिका जैसे कह रहे हैं कि करोड़ों लोग आएंगे, जितनी की जनसंख्या भी उतनी नहीं है। तो यदि आपके करोड़ों लोगों की जनसंख्या यदि वो राष्ट्रपति को देखने के लिए जा सकती है, तो यानी ये मुद्दा फिर कहाँ रह गया फिर आपने? यानी मुद्दा आपने छेड़ दिया हमारे देश में है, और स्वागत कहीं और होने जा रहा है। क्या लगता है 69 दिन, कल 70 दिन हो जाएंगे इस आंदोलन को? सर किस तरफ जा रहा है आंदोलन को समझ? सर आंदोलन बस यही मैसेज दे रहा है कि आपकी सारी बातें आप जो कहते गए, हमारे देश की जनता ने सर माथे पे लिया, क्योंकि उनको लगा कि देश हित की बात है। लेकिन जहां पर यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ यदि कोई भी बातें लगती है, तो हमारा देश क्या, लोग विदेशों से भी चल के आ रहे हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए। स्पाइडरमैन बनने का क्या संदेश है सर? एक्चुअली मैं सपोर्ट स्पाइडरमैन ड्रेस पहनने का मैसेज ये है कि मैं बच्चों का शोज करता हूँ, और बच्चों का शोज करते समय ये मैं मम्मी पापा से ये नहीं पूछता कि सर आपका बच्चा हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि 47 से लेकर 2020 तक आज तक हमारे देश में ये नहीं हुआ। आज हर त्यौहार एक दूसरे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारी होली दिवाली है, वैसे आपका ईद और मुहर्रम है। हम एक दूसरे के साथ बैठ के खाते पीते हैं। हम यदि मेट्रो में यदि हम सफर करते हैं तो मेट्रो के ड्राइवर से ये नहीं पूछने जाते कि सर आप ये बताओ पहले हिंदू को बैठाओगे या मुसलमान को बैठाओगे। जैसे आपने कहा कि देश हित में, सरकार भी कह रही है कि CA जो है देश हित में है, और जितने भी यहाँ पर घुसपैठियाँ हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है उनके लिए कानून है। सर 47 से लेकर 2020 तक आपको घुसपैठिया आप जाके दिखाई दे रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए कि यदि 47 से 2020 तक आपको घुसपैठिया आप दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर यदि घुसपैठिया आपको दिखाई दे रहा है तो उनकी बात करिए ना, फिर आप उनकी बात करिए ना कि घुसपैठियों को हटाने की आप बात कर रहे हैं, है? घुसपैठियों को हटाइए आप हिंदू मुसलमान का कम से कम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मत बोलिए, क्योंकि जो प्यार मोहब्बत बना हुआ है वो प्यार मोहब्बत बने रहने दीजिए, क्योंकि आज हम लोग इकट्ठे होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि यूनिटी में बहुत ताकत होती है। सर कहाँ से आया? सर एक्चुअली मैं नोएडा से हूँ, और मुझे देख के बड़ी तकलीफ हुई कि मतलब यहाँ पर लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है, अब बूढ़ी बूढ़ी औरतों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। ठीक है सर, इन दादियों के लिए क्या कहोगे? पूरी दुनिया में अब शाहीन बाग की दादियाँ जाने लगी हैं, और कई शाहीन बाग देश भर में बन गए हैं। सर एक्चुअली बड़ा दुर्भाग्य, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसकी उंगलियों को पकड़ के आज हम लोग
बोलना सीखे हैं, आज पले बड़े हुए हैं, यदि उन औरतों को, दादी दादा को और नाना नानी को यदि रोड पर बैठना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में नहीं, कुछ कुछ नहीं।